संविधान में धर्म के आधार पर भी भेद नहीं है, और श्रीलंका के तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा, और प्रोसिक्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होता है, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होता है। लेकिन 4.5 साल बाद हमारी केंद्र की सरकार जागी, चूंकि रोजगार पे कुछ बोल नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू तो कर दिया, लेकिन इसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है, कई तरह के सवाल उठा रही है। वहीं इसी बीच आज राजद सांसद मनोज झा का भी बयान सामने आया। उन्होंने देश में सीए लागू करने को लेकर आज केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में दिए गए रोजगार का भी जिक्र किया। वहीं जब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर राजद सांसद से पत्रकारों ने सवाल किया, तो इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। देखिए, 2019 के दिसंबर में ये सदन से पारित हुआ। हमारी पार्टी को अपनी ओर से जो कहना था, हमने कहा कि ये संविधान सम्मत नहीं है, संविधान में धर्म के आधार पर भी भेद नहीं है, और श्रीलंका के तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा, और प्रोसिक्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होता है, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होता है। लेकिन 4.5 साल बाद हमारी केंद्र की सरकार जागी, चूंकि रोजगार पे कुछ बोल नहीं सकते। बिहार में यहाँ तेजस्वी जी ने लंबी लकीर खींच दी, किसी बच्चे से पूछिए नौकरी मतलब तो बोलेगा तेजस्वी। तो इसके विकल्प में पूरे देश में जो नौकरी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, अब इनको लगा कि कुछ डॉग विसिल पॉलिटिक्स करें, तो उनको ये मुबारक, हम तो जहां थे वहां हैं। जल्दी हो जाएगा, आप डेट तय कर दीजिए, कर देंगे। मैं आपके माध्यम से तमाम उन लोगों को पूछता हूँ जो किसी के नाखून कटने पे जंगल राज बताते थे, आज सर धर से अलग हो रहा है, इसको कौन सा राज कहे। थैंक यू। तो आपने सुना आरजेडी के सांसद मनोज झा को, जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने को लेकर कहा कि केंद्र सरकार अचानक 4.5 साल बाद जागी है। ये कहीं ना कहीं जो देश में सीएए लागू किया गया है, इसके जरिए केंद्र सरकार जो रोजगार का मुद्दा है उसको दबाने की कोशिश की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने रोजगार को लेकर एक लंबी लकीर खींच दी है। बिहार का बच्चा बच्चा यह कहता है कि रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। वहीं जब पत्रकारों ने महागठबंधन में सीट बंटवारा को लेकर राजद सांसद से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही महागठबंधन में भी सीट बंटवारे का जो फैसला है, इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।